So hey guys, what's up? It's a boy Sanjay Rajput and welcome to my YouTube channel. जिन्हें subscribe नहीं subscribe कर दो यार, please please please. तो so guys, मेरे पास एक ये मतलब ये dog मतलब हमारे पड़ोस में आया है, तो इसे 3-4 दिन हो गए, अभी 1.5 साल का है. तो guys, मेरे सोचा कि आपको इससे introduce करा दूँ. तो guys, ये सैन बर्नार्ड का dog है, सैन बर्नार्ड की breed का dog है, और इसका नाम जो हमने रखा है, उसका नाम रखा है सेरू. सेरू इज अ कॉमन नेम, मुझे पता है. तो गाइज, हमने इसका नाम सेरू रखा है. एक बार कमेंट में बताना आपको कैसा लगा दिखने में. तो गाइज, इसके बारे में कुछ बातें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ क्लियर करना चाह रहा हूँ. तो गाइज, ये सैन बर्नार्ड ब्रीड का डॉग है, ये बहुत ही हम्बल होते हैं, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं. अगर आपको ये रखना है तो आप ले सकते हैं इसे. इसकी जो स्टार्टिंग जो इसकी कॉस्ट है इसके पिल्ले की, वो है 20,000 से 25,000 का स्टार्टिंग है इसकी. और गाइज, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं ये. और इनकी मैंने सोचा कि आपको एक बार दिखाना चाहिए. मैं सोच नहीं रहा था वैसे, इसके बाद मैंने ब्लॉग बनाने मैं बना रहा हूँ. सो गाइस, ये देखिए, अब इसकी कुछ बता देता हूँ. इसके कान देखिए, इसके कान कैसे हैं, इसके हेयर देखो कितने मस्त हैं, और इसके पैर देखो, और इसका मुंह देखो कैसे सामने से झूल रहा है. सो गाइस, ये मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बढ़िया डॉग होते हैं ये. सो गाइस, बहुत ही हम्बल और सिंपल है. तो मैं सोच रहा हूँ कि पब्लिक में जाके एक बार इसकी वीडियो बनाऊँ और पब्लिक रिएक्शन उसके बारे में, क्योंकि जितने आए थे ना गाइस, शुरू जितने आए थे तो बहुत भीड़ लग गई थी सेरो, तो उस समय बहुत भीड़ लग गई थी, उस समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया. तो आज मुझे टाइम मिला इसके साथ, तो आज इसका वीडियो बना रहा हूँ. अगर आप चाहते हो कि इसके बाद मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊँ तो सब्सक्राइब कर लो. एक बार कमेंट में बता देना यार, बना दूँगा यार तुम्हारे लिए तो वीडियो बनाता हूँ. और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. बस थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई को, बस भाई अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहेगा तुम्हारे लिए. और सो गाइस, इसके बारे में मैं बता रहा था आपको कि ये बहुत ही हम्बल होते हैं, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं. और गाइस, ये अभी बड़ी जल्दी हाफ गया यार, वहाँ से घुमा के लाया, बड़ी जल्दी हाफ गया. सो गाइस, बहुत ही बेहतरीन लगा मेरे को तो ये. तो अगर आप चाहते हो कि इसके बाद मैं और भी वीडियो बनाऊं तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना. और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो, क्योंकि मैं तो ऐसे आप बोलोगे नहीं बोलोगे, मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगा इसके साथ और भी पब्लिक प्लेस में जाके, एक बार इसका रिएक्शन लूँगा पब्लिक का क्या रिएक्शन है. और तब तक सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा. तो गाइस, आप देख सकते हो इसका मुँह देखो, गाइस इसका मुँह देखो, ये अभी भौंक नहीं रहा. मैंने बहुत ट्राई करा कि ये एक बार भौंक के दिखा, पर भौंक नहीं रहा ये. सो ये भौंक नहीं रहा और ये बहुत थक गया, इसलिए बार बार बैठ जा रहा है ये सेरो. और अपने भाई का भी लुक देख लो यार, तुम्हारे भाई ने आज कुछ नहीं करा ना, मैं बाल बना के आया ना कुछ बना के आया, स्वेटर भी ऐसी पहन रखी है, बच्चों वाली देखो कैसे बटन लगा रखा है. तो ऐसे ही आ गया, मतलब यहाँ ये बच्चे घुमाने लाए थे, मैंने सोचा भी यार वीडियो बना लूँ उसके साथ. तो आपको कैसे लगा एक बार कमेंट में जरूर बताना. और अभी हम चल रहे हैं इसको घुमाने के लिए. अरे आंटी पास तो लेके आओ एक बारी. अरे कुछ नहीं करता, अरे ये बहुत तो दिखाएगा, एक बार पास तो लेके आओ, एक बार कुछ नहीं करेगा. शेरू शेरू मुझे कौन है ये देखिए गाइस, उधर लैबरा खड़ा है. शेरू कौन है, शेरू कौन है, भौंक के दिखा दे एक बार, भौंक के. पाऊ 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 भौंक भी नहीं रही है क्या कुत्ता है ये. खाने का बस, खाने अब खाता भी बहुत है इसके डैड. कुछ मत करिए, इसे ले आ गाड़ी मार के. अरे एक आग में कुछ हो रखा है इसके. हाँ नहीं, वैसे ना आग में कुछ नहीं हो रहा. कितने का भैया ये? भैया बहुत महंगा है. फिर भी इसकी स्टार्टिंग, इसके पिल्ले जो आते हैं वो आते हैं 20-25,000 से. हाँ ये 50,000-60,000 का. हाँ 50-60,000 का जरूरी है. क्यों खिलाया नहीं उसे? हाँ खिलाने के ऊपर हो गया 50-60,000 का, बहुत खाता भी तो बहुत है. कुत्ता बोलते हैं इसे, इसे सैंड बर्नार्ड है. सैंड बर्नार्ड अंडमान निकोबार में मिलता है. अबे कद्दू अंडमान निकोबार, अबे डायरेक्ट तो यार शेर है ये छोटा है भाई. ये भोकता कैसा है? आंटी घास खाता है ये कुत्ता है थोड़ी ना, ये तो ये तो वो है गाय का बछड़ा जो घास खाता है. अच्छा स्टार्ट कर. तो वो काऊ कहता है उसे, नानी पीछे भाभी तक्षी से काऊ कहता है. काऊ मैं तो काऊ नहीं हूं भोबो है. अरे तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो मीनाक्षी? सही आइडिया लगा रहा है ना, आप गलत आइडिया लगा रहे हो. इसकी हालत देख रहे हो, ये देखो इसके साथ सेल्फी ली जा. वो कितना डर रहा है, वो कितना डर रहा है, इसके साथ नहीं डरेगा, वो नहीं डरेगा. तो चलो ए तू इधर आ, हां तुम भी जाओ, चलो तुम भी जाओ इसके साथ सेल्फी. अरे आंटी ले जाओ ना जल्दी ले जाओ.
निकल गई। क्या था वो? ये डंडे लेके तैयार हो गया मारने के लिए। जा मार क्या उसको। लगेगी पीछे। जा मार क्या उसको। सो कैसी लगी है आपको वीडियो? आई होप आपको मजा आएगा। नीचे सब डर के बच्चों से, सब डर गए कि अरे क्या चीज है और कहाँ से आया, सब डर गए। इधर उधर छत पर से लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है ये। तो सो गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो आपको पता क्या करना है, इफ यू डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए शेरू के साथ तो प्लीज आप मुझे एक बार बता देना नीचे कमेंट में। आप नहीं बताओगे फिर मैं बनाऊंगा। तो तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना, क्योंकि लाइक करने से वीडियो आगे पहुंचती है। बता देता हूँ, तभी आपको लाइक करने के लिए बोलता हूँ मैं। गाइस लाइक कर देगा तुम्हारा क्या जाता है, सब्सक्राइब भी कर दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत क्या, नीचे सब डर गए कह रहे क्या है कैसा है। बच्चे सब भाग के रोने लग गए। कहाँ से वो छोटे वाले को देखो डंडे लेके मारने आ रहा था। मैंने कहा रुक जा बेटे, सही है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। दोबारा बोल दिया मैंने, करके जरूर जाना यार प्लीज। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। ओके बाय बाय गाइस, लव यू, टेक।